बारिश आ गई और चली भी गई कोई। और भाई क्या हाल चाल है, आई होप आप सब बढ़िया होंगे एकदम फर्स्ट क्लास। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का स्टेटस बनाना सीखेंगे। अगर आप भी इस प्रोसेस को यूज़ करके इस तरह का स्टेटस बनाएंगे तो आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। चलते हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करना है नया प्रोजेक्ट लेने के लिए, और मैं क्लिक करता हूँ सोलेनो के रेसियो पे। ठीक है, ये मेरे काइन मास्टर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब मुझे करना क्या, सबसे पहले मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ। मीडिया पे मैंने क्लिक किया और मैं एक फ़ोटो को वहाँ से ले लेता हूँ जिस फोटो के साथ मुझे अपना स्टेटस बनाना है। ठीक है, वो फोटो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, आप भी उस फोटो को डाउनलोड करके रखें। ठीक है, तो उस फोटो में मैं जाता हूँ यहाँ और मैं उस फोटो को यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये फोटो मैंने ले लिया, तो इस फोटो के साथ मुझे अपना स्टेटस बनाना है। ठीक है, ये स्टेटस बनाने के साथ अब मुझे यहाँ से एक लीफ का फोटो लेना है, तो जिस शेप में मेरा दूसरा फोटो था उस फोटो को, तो उस फोटो को मैं लेता हूँ। मैं जाता हूँ लेयर और मीडिया, वहाँ से इसको फोटो को मैं इसमें इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये फोटो मैंने ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये फोटो आपका आया कैसे और इसको बनाना कैसे है। ठीक है, इस फोटो को मैं पहले यहाँ से सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसके सामने थोड़ा बड़ा करके यहाँ से इसको इतना मैंने यहाँ सेट कर लिया। ओके, मैं इसको यहाँ से डन कर देता हूँ। अब आपको इस तरह का फोटो बनाना कैसे, मैंने ये फोटो स्नैपशीट से बनाया है, तो आप भी इस फोटो को किसी पिक्सआर्ट या स्नैपशीट से बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता स्नैपशीट से फोटो कैसे बनाते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख लें इस फोटो को बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये मैंने फोटो स्नैपशीट से बनाया है। ठीक है, अब मैंने इस फोटो को यहाँ सेट कर लिया, इस पर लेयर पर क्लिक करके मैं इसको स्टार्ट से कर देता हूँ। ठीक है, जितना बड़ा मुझे स्टेटस चाहिए उतना बड़ा मैं इस लेयर को पकड़ के यहाँ तक कर देता हूँ। जैसे कि मुझे अपना स्टेटस 15 सेकंड का चाहिए, आप इसमें काम और करेंगे, ये पीछे जो फोटो है इसको थोड़ा सा ब्लर करना है। ब्लर कैसे करते हैं, लेयर पे मैं क्लिक किया और मैंने इफेक्ट पे क्लिक किया और थोड़ा सा नीचे आते हैं और बेसिक इफेक्ट, और इसको मैं यहाँ से क्लिक करके इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये फोटो अभी पूरा ब्लर नहीं हुआ है, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, पूरे उस पर, और इसको पूरी स्क्रीन पर जहाँ तक मुझे चाहिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, दोनों लेयर बड़ी रखते हैं, मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब इसको जो पीछे वाली लीफ है इसको ऊपर ले लेंगे, इस पर क्लिक किया आपने 3 डॉट पे और ब्रिंग टू फ्रंट, ये मैंने फ्रंट पे ला दिया। अब पीछे वाला जो फोटो है वो ब्लर हो चुका है। ठीक है, अब इसमें एक काम करना है, इसमें बीट लेके आनी है। ठीक है, आपने देखा है सॉन्ग के साथ जो नीचे ऊपर बीट चलती है उसको इसमें ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, लेयर पर क्लिक किया, मीडिया पर गए और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके इसको बीट को यहाँ में ले आया। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इस बीट में कुछ ना स्टार्टिंग का पार्ट वाइट है, तो वाइट पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और जो लेफ्ट का पार्ट है उसको मैंने हटा दिया। इसको पकड़ के मैंने कर दिया इसको स्टार्ट में, सॉरी इसको यहाँ से पकड़ के इसको मैंने शुरू से कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो वाइट है, सॉरी इसमें जो ग्रीन कलर का है उसको हम क्रोमा की से हटा देंगे। ठीक है, ग्रीन कलर को वो क्रोमा की से कैसे यूज़ करेंगे, इस पर आपने क्लिक किया लेयर पर और यहाँ जाते हैं क्रोमा की और क्रोमा की को यहाँ से अनेबल कर दिया। ठीक है, ये मेरा हट गया। इसको हटने के बाद मैं इसको यहाँ से इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे सेट करना है मैं इसको छोटा करके यहाँ इसको इतना बड़ा मैंने इसको यहाँ सेट कर लिया। ठीक है, तो आप भी इसको यहाँ पर सेट कर लें। सॉन्ग को ऐड करने के लिए आप जाएंगे लेयर पे और वो सॉन्ग मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, आप भी उसको पहले से डाउनलोड करके रखें। मैं सॉन्ग पर क्लिक करता हूँ और इस सॉन्ग को मैंने ले लिया। ठीक है, यह सॉन्ग लेने के बाद इसका जो ब्लैक स्क्रीन है उसको हम हटाएंगे। वो कैसे, इस सॉन्ग को आपने सिलेक्ट रखा और नीचे आएंगे ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे और वो कर देंगे ओके। ठीक है, इसका हट गया ब्लैक कलर। ठीक है, अब इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी आपको लग रहा है आपके सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो आपको दिख नहीं रहे, वाइट ज़्यादा हैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपल से एक काम और कर लें, इस लेयर पर क्लिक करके यहाँ से बिगनेट को आप ऑन कर दें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको प्ले करके देखें तो आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। बस इतना होने के बाद आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, शेयर पर जाएंगे और यहाँ से सीधा कर लेंगे इसको एक्सपोर्ट, ये आपकी लोकल गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगा। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ये आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब आप इसको जहाँ मर्जी करें वहाँ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।